राहुल गांधी मोदी सरने मामले में ऐसे उलझे कि पूरी कांग्रेस उस उलझन को सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो पूरी कांग्रेस इसी में उलझी रहेगी, तो फिर चुनावों में पार्टी का भट्टा बैठना तय है। इस वजह से कांग्रेस के नेताओं ने अब राहुल गांधी को ये सलाह दे डाली कि वे सीधे सीधे पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने से बचें, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी चुनावी मुद्दों को अपने हिसाब से मोड़ देगी। इसलिए कर्नाटक चुनावों के लिए कांग्रेस ने उन वादों पर फोकस करने की सलाह दी है जो पार्टी ने किए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए प्रतिमाह और गरीबी रेखा से नीचे परिवार वालों को 10 किलो चावल देने का वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले के बाद पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। सूत्रों का ये कहना है कि कांग्रेस इसलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से बचने के लिए सलाह दे रही है। 2019 में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि अगर हम मोदी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो वे उसे कुछ और ही समझ लिया जाएगा, चुनावी तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया और कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी, बढ़ती कीमत जैसे मुद्दों को उठाए जाने का प्लान बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, घर की महिला प्रमुखों को 2,000 रुपए प्रतिमाह, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए प्रतिमाह और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार वालों को 10 किलो चावल देने का वादा किया है। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना। राहुल ने जो सजा के खिलाफ अपील की है, सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने सेशंस कोर्ट में भी अपील की है और अब इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। दोषी पाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, साथ ही सचिवालय की तरफ से उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।